हीरो की सुपर स्प्लेंडर को फर्स्ट टाइम 2005 में लॉन्च किया गया था और ये अपने सेगमेंट में बहुत ही पॉपुलर मोटरसाइकिल थी। हीरो ने टाइम टू टाइम इस बाइक को अपडेट भी किया और आज इसमें काफ़ी सारे नए नए फीचर्स भी आते हैं और काफ़ी चीज़ें अपडेट हो चुकी है पुराने मॉडल से आज तक के मॉडल में देखे तो। लेकिन फिर भी जो इसकी पहचान है, जिस वजह से जानी जाती थी, एक पावरफुल 125 सीसी की कम्यूटर बाइक जो कि आपको एक स्मूथ राइड भी देती थी। लेकिन आज इसी नई सुपर स्प्लेंडर के बारे में, जो कि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है सुपर स्प्लेंडर की, लेकिन फिर भी सुपर स्प्लेंडर आज भी वही अपनी पुराना जो DNA है ना उसको बरकरार रखती है और वही फील आता है इसमें आज भी। और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर इस बाइक का एक डेडिकेटेड माइलेज टेस्ट भी आप देखने वाले हो। अभी इसमें थोड़े से फीचर्स बताने के बाद इसको लेके चलेंगे पेट्रोल पंप के ऊपर, वहाँ पे फ्यूल टैंक को फुल करवाएंगे और फिर कुछ किलोमीटर चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या माइलेज अपनी बाइक देती है दोबारा फुल करवा के फ्यूल टैंक को। उसके अलावा राइड क्वालिटी मैं आपको बताने वाला हूँ, चलाते टाइम थोड़ी बहुत डिटेल्स जो रहेंगी, जो हाईलाइट्स रहेगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इन सबसे पहले एक बाइक का एक वॉक अराउंड ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स बाइक के अंदर देखने को मिल जाती है। वीडियो स्टार्ट करते साथ ही आपको बताना चाहूंगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले मोटरसाइकिल के कुछ हाईलाइट फीचर्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मोटरसाइकिल के अंदर आपको यहां पे USB चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि चार्ज भी करता हूं, बल्कि ऐसा नहीं चार्ज नहीं करता और काफी सही स्पीड से चार्ज करता है, मैंने अपना फोन चार्ज किया था। उसके अलावा यहां पे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी देखने को मिल जाता है, जैसे आपका साइड से नीचे रहेगा तो गियर डालने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं होगी, बंद हो जाएगी, स्टार्ट होगी भी तो। इसके साथ ही डिजिटल प्लस एनालॉग स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है और मुझे ये पैटर्न काफी सही लगता है। यहां पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है, ट्रिप ए देखने को मिल जाती है, इसके अलावा एवरेज माइलेज भी देखने को मिल जाती है, फ्यूल गेज यहाँ पे दिया गया, टाइम यहाँ पे दिया गया, इसके अलावा यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर का इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, हीरो का ब्लू लोगो देखने को मिल जाता है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, स्पीडोमीटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है और रेड कलर की नीडल यहाँ पे मिल जाती है स्पीड के लिए, और कुछ इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, मालू डिटेक्ट लाइट, I3S का इंडिकेटर है, न्यूट्रल का है साइड स्टैंड के लिए, और ये वाला हाई बीम के लिए, ये लो फ्यूल के लिए, उसके अलावा लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर्स के लिए है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, आपकी ज़रूरत के हिसाब की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि फालतू फीचर्स देख के बाइक की प्राइस बढ़ाई जाए, और मतलब कुछ ऐसा नहीं है, आपकी ज़रूरत के हिसाब वाले सारे फीचर है यहाँ पे। आपको पासिंग स्विच पे देखने को मिल जाते हैं, उसके अलावा लो बीम हाई बीम के लिए लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, ये हॉर्न, ये यहाँ पे सेल्फ है और यहाँ पे I3 का स्विच है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो वो इस बाइक की सीट काफ़ी बड़ी सीट है यार, सीरियसली, और काफ़ी वाइड भी है, आप बहुत ही आराम से और बहुत ही कंफर्टेबल सीट के ऊपर बैठे रहोगे, और कुशनिंग भी बहुत ही सॉफ्ट है, यहाँ पे थोड़ी मिट्टी लग रही है उसके लिए माफ़ करना, लेकिन सीट सीरियसली बहुत ही सॉफ्ट है और आप कंफर्टेबल फील जरूर करोगे इस पे बैठने के बाद। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन दिया जाते हैं ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है, खास तौर से अगर आप गाँव में रहते हो या फिर आप चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे आपके वहाँ पर साफ रोड हो, खराब रोड हो या फिर रोड ही नहीं हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सस्पेंशन हर जगह सूटेबल है स्प्लेंडर के तो खास तौर से। और यहाँ पे इंजन की बात करी जाए तो बाइक के अंदर आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 10.7 HP की पावर देता है और 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, और ये 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, एक गियर नीचे की साइड लगता है और बाकी 5 अपने ऊपर लगते हैं, नॉर्मल जैसे सभी स्पोर्ट बाइक में लगते हैं कुछ उसी तरह से। इसके अलावा इंजन का साउंड भी मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ, किस तरह का साउंड करती है आप एक बार सुन लो। कुछ ऐसा आपको एग्जॉस्ट साउंड देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी स्मूथ लगता है और कानों में चुभता नहीं है, सुहाता है कानों को, क्योंकि इंजन है ना काफ़ी सही तरीके से बना रखा है, काफ़ी रिफाइंड और स्मूथ लगता है इंजन। और यहाँ पे अब बाइक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी जाए जो कि इस बाइक में काफ़ी सही है। सबसे पहली चीज़, बाइक के अंदर आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है जो कि अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। सीट हाइट आपको 799 mm की देखने को मिल जाती है, अगर आपकी हाइट 5'5" भी है, 5'4" भी है तो भी आप आराम से बाइक को चला सकते हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। 12 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, उसके अलावा 22 kg का कर्व वेट देखने को मिल जाता है टोटल। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करी जाए तो IBS ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, रियर ब्रेक को दबाने से दोनों ब्रेक अप्लाई होते हैं जो कि आपकी ब्रेकिंग को थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। और यहाँ पे प्राइस की बात करी जाए तो इस बाइक के दो वेरियंट आपको देखने को मिल जाते हैं, ड्रम ब्रेक और एक डिस्क ब्रेक के साथ। ड्रम ब्रेक वाले वेरियंट की जो प्राइस है वो है लगभग 76,500 के आसपास कुछ एक्स शोरूम, और उसके अलावा जो ये डिस्क वाला जो वेरियंट है इसकी प्राइस है लगभग 80,500 के आसपास एक्स शोरूम। तो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी है, अगर आपको एक अच्छी ट्रस्टेड बाइक चाहिए जो कि लंबे टाइम से मार्केट में है और आपको ज़्यादा समझना समझना नहीं है और आपकी जो ज़रूरत है उनको ये फुलफिल करती है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में तो एक बार शोरूम चाहिए, तो टेस्ट राइड लीजिए बाइक की, उसके बाद फिर मन बनाइए अगर आपको बनता है तो। और अभी एक बार पेट्रोल पंप चल लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और फिर एक बार चेक करते हैं कितनी माइलेज अपनी बाइक दे रही है। अभी हम पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, अभी बाइक का जो फ्यूल टैंक उसको फुल करवाते हैं और उसके बाद अपनी जो ट्रिप 1 है और जो ट्रिप 2 है दोनों को अपन 0 करेंगे और फिर बाइक को चलाएंगे लगभग 50-60 किलोमीटर, जितना थोड़ा बेटर रहेगा चलाना, उसके बाद फिर दोबारा से फ्यूल टैंक को फुल करवाएंगे, फिर देखेंगे कितनी माइलेज अपनी बाइक देती है। फुल करना है भाई, और सुनो, जब ऑटो अपने आप बंद हो जाएगा ना, ऑटो कट पे रोक देना, ठीक है।
तो अभी नोजल यहाँ पे रुक गई है, पेट्रोल आया है 10 लीटर और 10.91 लीटर, सॉरी अभी पेट्रोल तो हमने फुल करवा लिया है। और एक बार आप बाइक को ऑडोमीटर देख लो, ऑडोमीटर में 4 किलोमीटर बाइक चली है, ये ऑडोमीटर बाइक का और 4 किलोमीटर चली है, बिल्कुल नई बाइक है। ट्रिप में शिफ्ट नहीं हो पा रही है बाइक, ट्रिप में शिफ्ट क्यों नहीं हो रही है मुझे नहीं पता। एक सेकेंड भाई, वो मनी मांग रहा है अभी उसको मनी देते हैं, फ़ोन लगा लिया हमने चार्ज पे अपना, और अब चलते हैं। अभी लगभग बाइक को 50-60 किलोमीटर चलाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा से अपना पेट्रोल फुल करवाएंगे टैंक के अंदर, फिर देखेंगे कितने माइलेज अपनी बाइक देती है। वैसे मैंने ना आप सभी से प्रॉमिस किया था मैं बाइक को इकोनॉमी स्पीड पे चलाऊंगा, लेकिन यार अभी पीछे ना खाली रोड आया था और बाइक का जो इंजन है ना मुझे थोड़ा सा टॉर्की लगता है, मतलब थोड़ी सी पावर अच्छी है बाइक में है ना, पावर अच्छी है, तो इस वजह से थोड़ा मेरा मन किया कि एक बार देख लेते हैं भगा के कितनी भगती अपनी बाइक। तो फिर मैंने एक बार भगा के देखा था बाइक को, तो इस वजह से ना एक दो बार मैंने भगाया है बाइक को रास्तों में, तो ये जो माइलेज है ना ये ऑलराउंडर माइलेज निकलेगी। मैं कहने का मतलब है कि मैं बहुत धीरे नहीं चला रहा हूँ बाइक को, मतलब थोड़ा धीरे भी चलाया, थोड़ा तेज भी चला रहा हूँ और मीडियम सा भी, मतलब हर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो माइलेज निकल गया है वो ऑलराउंडर निकल गया है। जब भी आप इस बाइक को चलाओ तो आपके हाथ में भी बाइक इतनी माइलेज दे जितनी मेरे हाथ में दे रही है, समझ रहे हो ना, तो कुछ ऐसा माइलेज टेस्ट होने वाला है अपना ये। अभी तक अपनी बाइक चल चुकी है 39 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पहले चली हुई थी, तो मान के चलो 35 किलोमीटर बाइक चल गई है। अभी और चलाएंगे जितना ज़्यादा हो सकता है, मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हर चीज़ कवर करनी है। मैं ख़राब रास्तों पे लेके गया, थोड़ा सा हिल एरिया में लेके आया, पहाड़ों में लेके आया, और उसके अलावा हाईवे के ऊपर लेके गया, साफ रास्तों में हर तरीके से चलाया मैंने बाइक को, कम स्पीड पर भी चलाया, मैक्स स्पीड पर भी चलाया, मिनिमम स्पीड पर, सॉरी एवरेज स्पीड पर भी चलाया, मीडियम स्पीड पर, तो हर तरीके से चला रहा हूँ ताकि जो माइलेज निकल गया है वो माइलेज ऑलराउंडर निकल गया है और आप लोगों को एक रियल माइलेज पता लगे बाइक के बारे में। एक होता है ना कि मैक्स माइलेज भी निकाल सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा इस बाइक से, मैंने निकाली हुई है, तो मैं बता रहा हूँ वो माइलेज हमेशा और रियल लाइफ में निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं रियल लाइफ माइलेज चेक कर रहा हूँ बाइक की, इस वजह से मुझे हर तरीके से रास्तों में जाना पड़ रहा है ताकि मैं हर तरह से माइलेज निकाल सकूँ बाइक की। और एक चीज़ बता देता हूँ, बाइक को चलाते टाइम काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई है। एक तो बाइक की ना टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता है, मतलब 125 सीसी के हिसाब से टॉर्क डिलीवरी बहुत ही बढ़िया है, और जब पहाड़ के ऊपर थोड़ा वो चढ़ाई करती है ना, चढ़ती है ऊपर की साइड, तो फिर उस टाइम ना इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं पड़ता है और थोड़ा इजीली चल जाती है बाइक, ये अच्छी बात है इस बाइक के बारे में। और बाइक की ब्रेक्स की बात करी जाए तो ब्रेक भी काफ़ी सही है, फ्रंट ब्रेक तो बहुत ही बढ़िया है, और आपको रियर में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाता है, रियर ब्रेक को अगर आप प्रेस करते हो तो फ्रंट ब्रेक भी थोड़ा अप्लाई होता है जिससे कि आपकी ब्रेकिंग बढ़ जाती है, जिससे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मतलब स्पीड कम करता है टायर और रुक बहुत जल्दी जाती है बाइक, स्पीड बहुत कम होता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग का फ़ायदा है। और यहाँ पे जो रियर व्यू की विजिबिलिटी है, रियर व्यू मिरर की, वो भी बहुत ही बढ़िया है, आपको पूरा रोड और हाईवे के ऊपर भी पूरा हाईवे मुझे अच्छे से विजिबल हो रहा था, जो कि अच्छी बात है। इसके बारे में मुझे इस बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही सही लगी है, उसके अलावा ब्रेकिंग अच्छी लगी है और 82 टर्न है, कहीं भी आप टर्न कर सकते हो बड़े ही आसानी से। इसके अलावा क्लच भी काफ़ी लाइट है, देख रहे हो ना, बहुत ही लाइट क्लच है और आपको कोई शिकायत नहीं होगी, कभी आपके हाथ में पेन नहीं होगा ट्रैफिक के अंदर, तो ये चीज़ भी अच्छी है बाइक के बारे में। अभी हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं, सेम वही पेट्रोल पंप है और उसी नोजल के वहाँ से पेट्रोल हम डलवाएंगे और दोबारा से टंकी फुल करवाएंगे। बाइक 47 किलोमीटर चल गई है, आप देख सकते हो 4 किलोमीटर चली हुई थी तो ये 43 किलोमीटर चली है अभी तक। अब 43 किलोमीटर चलने में इसने कितना पेट्रोल लिया अपन देखेंगे, पहले भाई उस वैंगोर का पेट्रोल पर डल लेने देते हैं। तो अभी इसमें 590 ml पेट्रोल आया है और अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर बाइक चलेगी। तो यहाँ पे अपनी 43 किलोमीटर बाइक चली थी, तो यहाँ पे 43 में अपन ने भाग दिया 0.590, तो लगभग 72 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज बाइक ने दिखाई है, 72.88, तो माइलेज बहुत ही एक्सीलेंट लगी मुझे तो यार। तो कुछ ये माइलेज दिए बाइक ने, और मेरे हिसाब से जैसे मैंने इसको चलाया ना, थोड़े से पहाड़ में लेके गया था और मैंने स्पीडिंग भी किया है, 2-3 बार टॉप स्पीड चेक करी है बाइक की, उसके अलावा इधर मतलब बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड पर चलाया, बहुत ज़्यादा मैक्स स्पीड पर, मीडियम स्पीड पर, हर तरह से चलाया मैंने, ख़राब रास्तों में, अच्छे रास्तों में,
तो उस हिसाब से 125 सीसी की बाइक है ना, तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छी माइलेज है, और इससे कोई शिकायत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। देखो मेरे हिसाब से आपको एक बार शोरूम जाके बाइक की राइड करनी चाहिए अगर आप 125 सीसी में बाइक लेना चाहते हो, थोड़ी सिंपल और थोड़ी सी कम्यूटर फैमिली बाइक समझ रहे हो ना, तो आप जा सकते हो शोरूम, राइड ले सकते हो, पसंद आए तो फिर परचेज कर सकते हो। बाकी सब डिटेल्स को मैंने वीडियो में आपको दे दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना यार, अच्छा लगता है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ध्यान रखो ना, मस्त रहो, खुश रहो यार।